हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक मिनी ड्रोन की, जो कि एक फोल्डेबल ड्रोन है। और दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का ड्रोन है, क्योंकि दोस्तों इसका प्राइस बहुत कम है। ये मैंने ओनली 1399 रुपये में अमेजोन से परचेज किया है। तो यहाँ पर इसके बॉक्स पर आप इसके फंक्शंस देख सकते हैं, जैसे कि लाइटिंग मोड है इसमें, अल्टीट्यूड होल्ड मोड है, 1 की रिटर्न है और 1 की टेक ऑफ एंड लैंडिंग है, और हैंडलेस मोड है। और साथ ही में आपको 3 स्पीड मोड देखने के लिए इसमें मिल जाते हैं, जिनमें ये अलग अलग स्पीड में फ्लाई करता है, 30% स्पीड, 60% स्पीड एंड 100% स्पीड। तो यहाँ पर अभी आप इसके बॉक्स को अच्छी तरीके से देख लीजिए। चलिए एक बार मैं बैक से इसके बॉक्स को आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम वही डिटेल दी हुई है, बाकी इसका मॉडल नंबर है AC01। तो चलिए अभी इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है। उसके बाद दोस्तों इसे ग्राउंड में लेके चलेंगे और देखेंगे कि ये कैसा फ्लाई करता है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल। तो चलिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल में आपको अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी इंस्टॉलेशन के बारे में बताया है, और रिमोट कैसे काम करता है ये भी आपको इसमें अच्छे तरीके से बताया हुआ है। और साथ ही में आपको इसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है, यानी बॉक्स के अंदर क्या क्या एसेसरीज मिलती है वो भी इसमें मेंशन किया गया है। और यहाँ पर एक एक की के बारे में आपको बहुत डिटेल में बताया हुआ है। देखिए इधर भी एक एक की के बारे में अलग से बताया हुआ है। तो चलिए दोस्तों ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल आपने अच्छी तरीके से देख लिया है, तो चलिए अभी इंस्ट्रक्शन मैनुअल को हम साइड में रखते हैं और बाकी चीज़ों को बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अभी इन रिमोट और ड्रोन दोनों को हम इस बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद दोस्तों चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें एक पैकेट मिलता है, इस पैकेट के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको मिलता है एक स्क्रू ड्राइवर, जिससे दोस्तों आप अपने ड्रोन को रिपेयर वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए इसे साइड में रखते हैं। और बाकी सेकेंड नंबर पे हमें मिलता है एक चार्जर, जिससे हम अपने ड्रोन की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, और ये एक USB चार्जर है। तो चलिए इसे भी अभी साइड में रख लेते हैं। और यहाँ पर मिलती है हमें एक स्क्रू ड्राइवर, ये दोस्तों प्रोपलर को निकालने के लिए अलग से स्क्रू ड्राइवर होता है। देखिए कुछ इस तरीके से आप प्रोपलर में इसे लगा के ऊपर की साइड में करेंगे तो ये प्रोपलर इसमें से निकल जाएगी। और बाकी दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें और मिलती हैं, दिखा देता हूँ मैं क्या है। तो वैसे तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पर हमें प्रॉपलर गार्ड देखने के लिए मिल जाते हैं। देखिए ये 4 अलग से प्रॉपलर गार्ड हैं। तो इन्हें लगाने के बाद दोस्तों आपके ड्रोन की प्रॉपलर काफ़ी हद तक सेफ हो जाती है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये लग जाते हैं। तो चलिए इन्हें अभी साइड में रख लेता हूँ। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 4 हमें एक्स्ट्रा प्रॉपलर्स मिलती हैं। पहले हमारे ड्रोन में पहले से ही प्रॉपलर्स लगी हुई हैं, ये 4 बिल्कुल एक्स्ट्रा हैं। तब हमारे ड्रोन की प्रॉपलर डैमेज हो जाएंगी, तब आप इनका यूज़ कर सकते हैं। बाकी चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका रिमोट। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी दोनों जॉयस्टिक्स मिडल में हैं, और फर्स्ट वाली जॉयस्टिक आप यूज़ कर सकते हैं ड्रोन को अप एंड डाउन करने के लिए और लेफ्ट रोटेट एंड राइट रोटेट के लिए। सेकेंड वाली फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड लेफ्ट राइट के लिए। बाकी बीच में है इसमें ऑन ऑफ का बटन, और जस्ट ऑन ऑफ के बटन के ऊपर मिलती है इंडिकेटर लाइट। और ऊपर की साइड में अगर आप आके देखते हैं तो ये जो बटन्स हैं ये सारे के सारे ट्रिम बटन हैं। और यहाँ पर ये जो आपको दो बटन देखने के लिए मिलते हैं, ये स्पीड के लिए एंड फ्लिप के लिए दो अलग से ऊपर की साइड में बटन दिए हुए होते हैं। और पीछे की साइड में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर डलती है इसमें बैटरी। तो दोस्तों इस रिमोट में डालने के लिए आपको बैटरी ड्रोन के साथ तो नहीं मिलेगी, ये आपको अलग से परचेज करनी होगी। और ये एक बार डालने पर आपकी कम से कम 5 से 6 महीने इजीली चल जाती हैं। तो यहाँ पर ये चार्जेबल या नॉन चार्जेबल आप कोई भी बैटरी इसमें डाल सकते हैं। फिलहाल मैं नॉन चार्जेबल का यूज़ कर रहा हूँ, तो हमारी जो बैटरी है वो इसमें डल चुकी है। चलिए ऑन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे रिमोट की इंडिकेटर लाइट ब्लिंक कर रही है, तो इसका मतलब है हमारा रिमोट ऑन हो चुका है। लेकिन अभी ड्रोन कनेक्ट नहीं है तो वो स्टेबल हो नहीं पाएगी। तो चलिए अभी मैं आपको ड्रोन का साइज़ दिखा देता हूँ। देख सकते हैं ड्रोन कितना छोटा सा है, आपको देखने में अलग ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा इस ड्रोन को। लुकिंग इसकी बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, देख लीजिए। और साथ ही में दोस्तों ये और भी छोटा हो जाता है जब ये फोल्ड होता है, तो देख सकते हैं ये फोल्ड होने के बाद और भी ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो अब तो आप इसे अपनी पॉकेट में धर के भी कहीं पर ले जा सकते हैं, इतना छोटा इसका साइज़ है। और चलिए इसे अभी अनफोल्ड ही कर लेते हैं। तो हमने अभी अनफोल्ड कर लिया है। तो चलिए यहाँ पर सामने की साइड में अगर आप ड्रोन को देखते हैं तो इसकी इंडिकेटर लाइट लगी हुई है, जो कि वाइट कलर की है। और बाकी पीछे की साइड में इसका बैटरी अपार्टमेंट है। चलिए बैटरी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसकी बैटरी है, तो देख सकते हैं काफ़ी छोटी सी इसकी बैटरी है।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ये इसका सॉकेट है जिससे हम इस बैटरी को चार्ज करते हैं और यही ड्रोन में भी कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर चार्जर में कुछ इस तरीके से इसे कनेक्ट कीजिए और अब आप चार्जर से इस बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। इस चार्जर में रेड कलर की लाइट जलती है, जब वो चार्जिंग पे लगे हुए ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है, तो इसका मतलब आपकी जो ड्रोन की बैटरी है वो फुल चार्ज हो जाती है। उसके बाद दोस्तों आपको इस बैटरी को वापस से अपने ड्रोन में ही लगा देना है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको बैटरी इसमें लगानी है। तो बैटरी लगाना तो बहुत ही ईजी है, कोई भी लगा सकता है। तो बैटरी हमारी लग चुकी है, देखिए ऑन करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ड्रोन है वो ऑन हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों सामने की साइड तो आपको इंडिकेटर लाइट मिलती ही है, साथ में आपको दो पीछे की साइड में भी बहुत छोटी छोटी सी इंडिकेटर लाइट मिलती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, शायद आपको नहीं दिखाई दे रही होंगी, रेड कलर की दो इंडिकेटर लाइट पीछे की साइड में भी हैं। तो चलिए फिलहाल मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो ड्रोन है वो ऑफ हो चुका है। तो चलिए अभी सबसे पहले हम अपने ड्रोन के प्रॉपर गार्ड्स को ड्रोन में लगा लेते हैं। तो देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से मैंने इसमें ये लगा दिए हैं और लगाना बहुत ईजी है, आप इजीली लगा सकते हैं। तो अब आप इसकी लुकिंग देख सकते हैं, एकदम कमाल का ये ड्रोन लग रहा है देखने में। तो चलिए अभी एक काम करते हैं, हम अपने ड्रोन को ऑन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो ड्रोन है वो ऑन हो चुका है। अभी अपने रिमोट को भी ऑन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो रिमोट है वो ऑन हो चुका है। अब फर्स्ट वाली जो स्टिक को एक बार अप एंड डाउन करेंगे तो आपके रिमोट की लाइट जो होगी वो स्टेबल हो जाएगी। इसका मतलब होगा कि आपका जो ड्रोन है वो रिमोट से कनेक्ट हो गया है। अब आप जैसे ही फर्स्ट वाली जो स्टिक को ऊपर करेंगे आपका ड्रोन फ्लाई करना स्टार्ट कर देगा। तो चलिए लेके चलते हैं इसे ग्राउंड में और करते हैं इसकी फ्लाइंग टेस्टिंग। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हम अपने ड्रोन को ग्राउंड में लेके आ गए हैं और यहाँ पर हमने अपने ड्रोन को टेक ऑफ कर लिया है। तो यहाँ पर आप इसकी स्टेबिलिटी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से ये फ्लाई कर रहा है बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ। और यहाँ पर देख सकते हैं एक जगह बिल्कुल ये रुका हुआ है, बाकी मेरा कैमरा ही इधर उधर हिल रहा है। ड्रोन बिल्कुल स्टेबल है, ड्रोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि दोस्तों 1399 रुपये का ड्रोन है तो भाई मेरे हिसाब से तो वन ऑफ द बेस्ट ड्रोन है ये मेरा आज तक का, मतलब मिनी ड्रोन में। मैंने S9 की भी अनबॉक्सिंग की थी, S9W की, तो उससे तो कई गुना बेटर ड्रोन है ये और बहुत ही बढ़िया है। आज तक मैंने इतना छोटा ड्रोन इतनी स्टेबिलिटी के साथ फ्लाई होता हुआ नहीं देखा है। और बाकी 360 फ्लिप भी करता है, साथ ही में इसमें आपको हैंडलेस मोड भी मिलता है और अल्टीट्यूड होल्ड मोड भी मिल जाता है और 1 की रिटर्न भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। बाकी दोस्तों बात करें इसकी रिमोट कंट्रोल रेंज की, तो यहाँ पर 40 से 50 मीटर की इसकी रेंज आपको देखने के लिए मिल जाती है। चलिए मैं भी इसे दूर भी आपको फ्लाई करके दिखाऊंगा आगे। फिलहाल आप इसकी स्टेबिलिटी ड्रोन है और उसके बाद भी यार क्या स्टेबिलिटी है इसकी, मतलब मज़ा ही आ गया मुझे इसे फ्लाई करने में। एकदम प्रोफेशनल ड्रोन की तरह मुझे ये लग रहा था, वैसे छोटा सा ड्रोन है फिर भी मुझे इसमें प्रोफेशनल वाली फीलिंग आ रही थी। बाकी चलिए दोस्तों बात करते हैं इसकी बैटरी की। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें आपको बैटरी कितने mAh की है वो तो मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता सकता हूँ कि ये 10 से 15 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है, उसके बाद आप ये 7 से 8 मिनट लगातार अप्लाई कर सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये ड्रोन पूरी वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो इस वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक को फॉलो करके आप अमेज़ॉन पे जाके इसे परचेज़ कर सकते हैं।